अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वकार शफी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ ग्लोबल स्टेट के प्लेटफॉर्म से टीम डोमिनेटर से। आज हम डिस्कस करेंगे बहरे टाउन में घरों की कंस्ट्रक्शन के हवाले से, और इसमें हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद हैं, अदनान सिद्दीकी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और बहरे टाउन में तकरीबन 15 साल से काम कर रहे हैं और तकरीबन कोई 50 से ज़्यादा घर ये अपने बना के बेच चुके हैं और इतने घर ये लोगों के बना चुके हैं जिसमें कमर्शियल फार्म हाउसेस और प्लाजे शामिल हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं घरों के हवाले से कि आजकल रेट क्या चल रहा है इस टाइम करंट मार्केट में घरों का, तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में गाइड कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम अदनान भाई से कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आप लोगों के मेन कंसर्न होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 5 मरले के नए और पुराने घरों का इस टाइम रेट क्या चल रहा है। तो व्यूअर्स, 5 मरले का जो पुराना घर है इस टाइम वो 170 से लेकर और 220 तक में अवेलेबल है। इसी तरह 5 मरले का जो नया घर है वो 220 से लेकर तो 3 करोड़ तक इस टाइम डिमांड कर रहे हैं सेक्टर डी में लोग। इसी तरह अगर हम 8 मरले की कैटेगरी में, जो कि बहुत रेयर हो चुके हैं, इसमें से यूज़ घर ही ज़्यादा आते हैं, नए घर अब काफ़ी कम बन रहे हैं, 1 या 2 घर ही अवेलेबल होते हैं। तो 8 मरले का यूज़ घर तकरीबन 250 से लेकर 3 करोड़ तक में है और नया घर 3 करोड़ 25 लाख से लेकर तकरीबन 4.25 करोड़ तक डिमांड कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, जिस तरह अगर हम 10 मरले कैटेगरी में, तो इस टाइम 10 मरले का जो पुराना घर है वो 3 करोड़ से लेकर तो 4 करोड़ तक में अवेलेबल है मुस्लिम लोकेशन के और कंडीशन के हिसाब से। और इसी तरह अगर नए घर की बात करें तो 375 से लेकर तो 590 तक आस्किंग चल रही है इस टाइम बहरिया टाउन में नए घर की 10 मरले के। इस टाइम कनाल के घर की जाएँ तो इस टाइम बहरिया टाउन में जो 1 कनाल के यूज़ घर हैं मेरे पास जो अवेलेबल हैं वो 575 से स्टार्ट होते हैं और वो 8 करोड़ तक जाते हैं, और ब्रांड न्यू घर 7.5 करोड़ से लेकर तो 13 करोड़ तक में अवेलेबल हैं। तो व्यूअर्स, अब आते हैं अदनान भाई की तरफ को और इन सब क्वेश्चंस करते हैं जो आप लोगों के मेन कंसर्न होते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र होता है। अदनान भाई, अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा कि बहरिया टाउन में करंट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या चल रही है ए प्लस और मीडियम काम की, ताकि लोगों को कुछ आइडिया हो, किसी ने अपना घर शुरू करना हो तो उसके जहन में कुछ ये क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले ना, तो काइंडली बताइएगा। कार साहब, अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो जो ग्रे स्ट्रक्चर है, अगर हम ए प्लस ग्रे स्ट्रक्चर, क्योंकि बहरिया में नॉर्मली ए प्लस के कॉस्ट कंस्ट्रक्शन होती है जी, तो उसकी वो 2700 से लेके 3000 तक जो है वो इस टाइम ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट है। अच्छा अच्छा। और अगर हम फिनिशिंग की बात करते हैं, तो फिनिशिंग जो है अगर आप ए प्लस में जाते हैं तो नियर अबाउट 3000 से स्टार्ट होती है फिनिशिंग, और 3000 से लेके आप 4000 तक, क्योंकि फिनिशिंग काफ़ी वेरी करती है कि आप उसमें क्या चीज़ें जो लगाते हैं, टाइल्स आप कौन सी लगा रहे हैं, आप सैनिटरी वेयर कौन सी लगा रहे हैं, आप उसमें जो है ना बाकी जो मटेरियल है वो कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जिस टाइम इंपोर्टेंट में हाइट साइड पर जाते जाएंगे, ज़ाहिर है कॉस्ट उसी तरह इंक्रीज करती जाएगी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जो अगर आप कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो 6000 तक इस टाइम कॉस्ट कर रही है एक ए प्लस कंस्ट्रक्शन, ठीक हो गया, यानी 6000 तक में आप कह रहे हैं कि तकरीबन आप मैक्सिमम जा सकते हैं जिसमें अच्छा चीज़ अच्छी से अच्छी किस्म की हो सकती है। चलें, ठीक हो गया। अदनान भी, एक क्वेश्चन लोगों का और आता है कि आजकल के इस दौर में अपना घर किसी के लिए खुद बनाना मुनासिब है कि उसको बने बनाए घर की तरफ जाना चाहिए, बहुत से लोगों का कंसर्न है ये। देखिए वकार साहब, आजकल अगर आप नए अपना घर बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं तो जो आपको बहरिया का प्रोसीजर है, आपको पता है कि जब आप प्लॉट लेते हैं और मैप स्टार्ट करते हैं, मैप तकरीबन को 2.5 से 3 महीने का तो प्रोसेस वही है कि आपने जो है प्लॉट लेना है, उसके बाद आपने पोजेक्शन अप्लाई करना है और आपने मैप का प्रोसेस करना है, फिर TMA अप्रूवल या LDA अप्रूवल में जाना है, तो 3-1 महीने तो उसी में लग जाते हैं। और अगर आपने कोई 10 मरले की कंस्ट्रक्शन करनी है तो कम से कम आपको 10 मरले की कंस्ट्रक्शन के लिए 1.5 साल का टाइम चाहिए। तो जो आजकल इन्फ्लेशन रेट है या प्राइसेस जिस तरह जंप कर रही हैं या फ्लक्चुएशन है प्राइसेस में, तो वो 1.5 साल में प्राइसेस कहाँ पे होंगी? आज मैं अगर आपको 6000 की कॉस्ट कह रहा हूँ तो वो ज़रूरी नहीं हो, जब 1.5 साल हो सकता है वो 7000 तक कॉस्ट पहुँच जाए। तो बेहतर तो यही है कि आपको आज जो तैयार चीज़ मिल रही है वो अगर आप एट द स्पॉट परचेज कर लेंगे तो वो आपको जो है ज़्यादा फिजिबल है, और बहुत सारी हिजल से बच जाते हैं आपको, आप जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उन चीज़ों से आप बच जाते हैं। तो रिकमेंडेड तो यही है कि आप बना बनाया घर अगर आपको कोई अच्छे बिल्डर का मिल जाता है तो वो परचेज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अपनी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ज़ाहिर है 1.5 साल लगेगा और जो प्राइस चीज़ें इंक्रीज़ आनी है उससे आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है अदनान भाई, फिर कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि जो इस फील्ड में नए आना चाह रहे हैं कि वो इस फील्ड में आएँ, तो ऐसा बिल्डर इन होते हैं तो कौन सी लोकेशन सेलेक्ट करें घर बनाने के लिए, जहाँ पर उनका घर मार्केट में जल्दी इजीली सोल्ड आउट हो सके इन फ्यूचर? देखें, जो बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोकेशन आइडियल लोकेशन होती है, एक तो पॉपुलेटेड एरिया हो जहाँ पे स्कूल, आपका पार्क,
मॉस्क, ये चीज़ें जो हैं आपके नियरेस्ट टू आपके होम हो, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है जो भी घर लेने आता है वो सबसे पहले देखता है कि मस्जिद कितनी दूर है, यहाँ से स्कूल की एक्सेस क्या है, कितनी दूर स्कूल है और कमर्शियल एरिया कितनी दूर है। तो ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। और फिर जाहिर है कि जहाँ पे पॉपुलेटेड एरिया होता है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं वहाँ पे रहना, क्योंकि वो अपने आप को सिक्योर भी फील करते हैं वहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा तानवी, इस तरह भी बहुत से लोगों का कंसर्न होता है कि घर बनाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और घर किस मौसम में स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा मौसम फिजिबल है अपनी कंस्ट्रक्शन करने के लिए। देखिए, कंस्ट्रक्शन के लिए तो आइडियल जो मंथ्स हैं वो है आपका फरवरी मार्च, क्योंकि वहाँ उस टाइम जो है वो पीक की सर्दी भी नहीं होती है और मार्च में आके मौसम बेहतर होना शुरू हो जाता है और आपका जब आप ग्रे स्ट्रक्चर तक पहुँचते हैं तो गर्मी आ जाती है, तो जो स्ट्रक्चर की होता है उसके ड्राई हो जाता है, वो ड्राई होने का टाइम मिल जाता है और मौसम जो गर्म होता है तो उससे वो ड्राइनेस आ जाती है। अच्छा। तो जब तक आप फिनिशिंग में जाते हैं तो आपका जो आपने ग्रे स्ट्रक्चर में जो काम किया है वो ड्राई हो जाता है और आप फिनिशिंगली स्मूथली उसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेहतर टाइम तो जो है वो आपका मार्च अप्रैल का जो है ना टाइम है कि जिसमें आप स्टार्ट करें। और आप, मैंने आपको बताया कि तकरीबन 6 महीने तो ग्रे स्ट्रक्चर में ही लग जाते हैं, तो जो ये गर्मी है इसमें आपका जो है ना सारा घर वो तैयार हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा तो दान भाई, इसमें एंड में आपने एक टिप अपनी तरफ से भी देनी है कंस्ट्रक्शन में किस बात का खासतौर पर ख्याल रखना चाहिए। एक मेन कंसर्न बहुत से कस्टमर का आता है कि जो आपके छत पे जो एक आपका लास्ट बनना जो होता है नेरा जिसे कहते हैं, उसमें जो कट आ जाते हैं, गैप आ जाता है लेंटर के और दीवार के बीच में, उसको कैसे हम क्लियर कर सकते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं कि वो डरारे सी ना आए। देखिए मुकासब, जहाँ पे भी आरसीसी और ब्रिक वर्क जहाँ पे भी जॉइंट होता ना, वहाँ पे हम लोग तो जो है उस जॉइंट को ड्यूरेबल करने के लिए कि कल को वहाँ पे क्रैक्स ना आए, उसके लिए हम वहाँ पे जाली का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे हम जो है जाली लगाते हैं, जाली लगा के उसके ऊपर नीरू को लगाते हैं और उसके बाद उसको जॉइंट को जो है ना वो हम प्लास्टर करते हैं। तो उससे ये है कि काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाता है कि जहाँ पे आपने सिक्योर के है कि आपका वहाँ पे क्रैक आने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। तो जहाँ पे भी आपका हमेशा जहाँ पे भी आपका क्रैक आने का चांस होता है वो होता है आरसीसी और ब्रिक वर्क, जहाँ पे दोनों जॉइंट होते हैं वहाँ पर ही क्रैक आता है। यानी इसके लिए आप कहना चाह रहे हैं कि बेहतर वर्क है कि आप कंक्रीट में चले जाएँ, या तो टोटल कंक्रीट में चले जाएं। अगर आपने कंक्रीट के साथ ब्रिक वर्क इस्तेमाल करना है या ब्रिक्स का यूज़ करना है तो उसके साथ फिर आप जाली का इस्तेमाल करें, जाली प्लास्टर करने से पहले जाली लगाएं उसके। चलिए रान भाई, फाइनली एक आपकी तरफ से टिप कंस्ट्रक्शन करने वालों के लिए। सर, कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले ये है कि क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आप देखें तो घरों में सेम की प्रॉब्लम आती है। तो एक तो अगर आप जो फाउंडेशन में अपने आप वाटर प्रूफिंग प्रॉपर कराएं, और जो प्लम्बर का काम है वो बहुत जो है ना सेंसिटिव काम होता है पूरी कंस्ट्रक्शन में, तो उसके लिए आपका एक जो है ना प्रॉपर आपका बड़ा स्किल पर्सन होना चाहिए जो प्लम्बरिंग का काम कर रहा है, और उसको बड़ी उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि सारा घर का काम जो है ना वो डिपेंड करता है आपके प्लम्बरिंग के ऊपर। प्लम्बरिंग का काम ऐसा है कि जब एक दफ़ा वो हो जाता है तो उसके बाद वो हिडन हो जाता है, उसमें उसकी चीज़ नज़र कोई नहीं आती है, फिर उसके बाद टाइल्स हो जाती हैं। तो बेहतर ये है कि जो आप प्लम्बरिंग का काम है उसे बड़े जो है ना वो स्किल पर्सन से कराएं और उसको बड़े जो है उसको मॉनिटर करें, उसे उसको प्रॉपर प्रेशर्स दें ताकि जो है वो कल को प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। लेनदार भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा हम रब्ता करेंगे। सो व्यूअर्स, आपने सिद्दीकी बिल्डर्स के दौरान सिद्दीकी साहब से बहुत से मुफीद मशवरे आपने लिए सुने, तो आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी आप लोग करना चाह रहे हो, या बैरियर टाउन में घरों के वाले से, सेल परचेज के वाले से कि आपकी कोई भी क्यूरी हो, तो आप किसी भी टाइम मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के सरमाया का तहफ्फुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह।